जय हिंद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। एंड मैं आपको बता दूं कि ये जो नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी आर्मी के अंदर होती है, ये आपकी परमानेंट होती है, इसको अग्निवीर की कैटेगरी के अंदर नहीं रखा जाता। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है एंड कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को फिल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी। आप यहां पर देखेंगे कि आप लोग इस फॉर्म को 16 फरवरी 2023 से लेकर के 15 मार्च 2023 तक भर पाएंगे। एग्जाम की डेट यहां पर 17 अप्रैल 2023 रखी गई है। अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसकी जानकारी आप यहां पर देख सकते हैं। बेसिकली इसमें 12वीं पास की योग्यता मांगी है, जो कि आपने साइंस में की हो, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास 12वीं में होना चाहिए, जिसमें कि आपके 50% रहने चाहिए कम से कम, एंड 40% मार्क्स आपके प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर रहने चाहिए। या फिर आपको दूसरा विकल्प दिया है कि आपने 12वीं पास की हो साइंस में, जिसमें कि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटनी, जूलॉजी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट हो, और इनमें आपके 50% हो एंड आपके पास टोटल प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर 40% ईच होना चाहिए। तो ये आपने जाना। आप यहाँ पर इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं, सभी जेआरओ के नोटिफिकेशन यहां पर दिए गए। जिस भी जेआरओ का नोटिफिकेशन आपको चेक करना है, उसी के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से नोटिफिकेशन आ जाएगा, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि आपको इसमें सभी कैटेगरी कैंडिडेट को ₹250 यानी कि ₹250 एप्लीकेशन फीस पे करनी है। इसमें जो मैंने आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बताया वो आप देख सकते हैं। एज आपकी 17.5 से 23 साल के बीच रखी गई है। एंड यहां पर आपकी हाइट कितनी चाहिए, आपकी चेस्ट कितनी होनी चाहिए वो आप देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन की जानकारी आप यहां पर वेरीफाई कर सकते हैं। एंड सिलेक्शन आपका कैसे होगा उसके बारे में आप देख सकते हैं। पहले इसमें आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और फिर इसके बाद में आपकी रैली होगी, जो कि आपको टाइम आने पर बता दी जाएगी कि कहां पर होगी। अब गाइज, आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। अब कैसे आपको अप्लाई करना है उसका प्रोसेस आप यहां पर जान लीजिए। आपको यहां पर क्या करना है, आपको आना है और आपको यहां पर जो अप्लाई ऑनलाइन लिंक दिया है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर एलिजिबिलिटी का पेज आ जाएगा। अभी आपको यहां पर अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है, तो आप कैसे करेंगे? तो यहां पर आप पहले अपनी स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जहां से भी आप हैं। फिर इसके बाद में आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, देन यहां पर आपको आपकी तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको यहां पर आपकी हाइट कितनी है सेंटीमीटर के अंदर वो आपको सेलेक्ट करनी है। देन गाइस, यहां पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके पहले ईयर, इसके बाद में मंथ, और फिर यहां से डे सेलेक्ट कर लेंगे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, 8, 10, 12 जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। बेसिकली इसमें जैसे कि मैंने कहा कि 12वीं पास की योग्यता चाहिए, तो यहां पर आपने सेलेक्ट किया। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, आपने जो क्वालिफिकेशन सेलेक्ट की है वो आपने कर ली है या फिर आप कर रहे हैं। अगर कर ली है तो आप यहां पर पास के ऊपर क्लिक करेंगे। मैरिटल स्टेटस में आपको यहां पर जो भी आपका स्टेटस है वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहां पर आर यू बेसिकली पूछा कि क्या आप उम्मीदवार को फिर से तैयार करें, तो इसमें आपको नो करना है। नो करने के बाद आप यहां पर चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों एक तरफ है अग्निवीर और दूसरी तरफ है रेगुलर कार्डरे। रेगुलर कार्डरे का मतलब यही होता है कि इसमें आप परमानेंट रहते हैं, जो कि पहले रहते थे इसी तरह से। तो रेगुलर कार्डरे में आप यहां पर देखेंगे कि सोल्जर, टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी की वैकेंसी दी गई है। तो अभी आपको यहां पर अप्लाई पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आपका पहले से इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट है, आपने कोई भी फॉर्म भरा है इंडियन आर्मी की वेबसाइट का इस्तेमाल करके, तो आप यहां पर आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल करके कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड लॉग इन कर लेंगे। एंड अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं, तो आप फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके पासवर्ड को रिसेट कर लेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आपका पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। बट अगर आप फ्रेशर है, न्यू है, तो आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है एंड यहां से आपके कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आप यहां पर फिर से इंस्ट्रक्शन को चेक करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर जो आगे की जानकारी है, मैं आपको एक कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन से देने वाला हूं, क्योंकि इस वेबसाइट पर आप एक ही बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है एंड मेरी एज 21+ है, इसलिए मैं यहां पर इस फॉर्म को अगर अपनी रियल इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल भी करूँ तब भी नहीं भर पाऊंगा। इसलिए मैं आपको डेमो के लिए एक अन्य कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन से आगे का प्रोसेस बता रहा हूं। प्रोसेस सेम रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहां पर पर्सनल डिटेल, तो आप किस माध्यम से रजिस्टर होना चाहते हैं, आधार नंबर या फिर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। अगर आप आधार नंबर से हो रहे हैं तो आप यहां पर टिक करेंगे और टिक करने के बाद यहां से ओके करेंगे। फिर आपको फैच फ्रॉम डिजीलॉकर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको आपका आधार नंबर एंटर करना है और ये जो कैप्चा कोड आप यहां पर देख पा
आ रही है, कैप्चा कोड आपको फिल करना है एंड देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके नंबर पर ओटीपी जाएगा जो कि आपने आधार कार्ड के साथ में रजिस्टर किया हुआ है, वो ओटीपी यहां पर आपको डालना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो आपका ओटीपी वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा और आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां से इसको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद में यहां पर आपके सामने पर्सनल डिटेल फिल करने का सेक्शन आ जाएगा। अभी मैं आपको पर्सनल डिटेल फिल करने से पहले ये बता दूं कि अगर आप यहां पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के माध्यम से रजिस्टर हो रहे हैं तो आप कैसे होंगे, तो चलिए इसका प्रोसेस भी यहां पर जान लेते हैं। आप यहां पर जब आपने सेलेक्ट किया आधार नंबर, अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहां पर फेच फ्रॉम डिजीलॉकर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहां पर आपका बोर्ड सेलेक्ट करना है कि आपने किस बोर्ड से आपकी 10वीं की है, वो बोर्ड आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में जो आपका रोल नंबर था 10th का वो यहां पर आपको एंटर करना है। किस ईयर के अंदर आपने आपकी 10th की है वो ईयर आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। आपका फुल नेम आपको यहां पर एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और फिर यहां पर आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं एंड यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। इसके बाद आपको फाइंड पर क्लिक करना है। फाइंड पर क्लिक करने के बाद में यहां पर जो जानकारी आपके 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है वो जानकारी फेच कर ली जाएगी, जैसे कि यहां पर आपका नाम और आपकी DOB ऑटोमेटिकली आ चुकी है। अब आपको यहां पर कैसे अपनी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन करने पर जानकारी फिल करनी है वो आप जान लीजिए। तो आपके डोमिसाइल स्टेट क्या है वो यहां से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में यहां पर आपका बोर्ड नेम, रोल नंबर, ईयर ऑफ एग्जामिनेशन दिया है, आपका नाम भी यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। नीचे आता है आपका फादर गार्जियन नेम, यानी कि आपको यहां पर आपके पिताजी का नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग देना है, तो जो भी आपका फादर का नेम है वो आप यहां पर फिल कर देंगे। इसी प्रकार से आपको यहां पर आपकी मदर्स का नेम यानी कि माताजी का नाम एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी यहां पर दी गई है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो कि ऑटोमेटिकली फेच की गई है। अब आपको यहां पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना मोबाइल नंबर आपको यहां पर एंटर करना है और यहां पर आपको टिक करना है और टिक करने के बाद में जो कैप्चा कोड है ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप यहां पर रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करके दूसरा वेरिफिकेशन कोड ला सकते हैं एंड इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद में आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये तो मैंने आपको बताया कि अगर आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका प्रोसेस, अगर आप यहां पर आधार कार्ड के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपके सामने जब आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन आप फैच कर लेंगे तो क्या इंटरफेस आएगा, तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा जहां पर आपको आपका आधार नंबर एंटर करने को बोला है। बट उसके पहले आप यहां पर सेम तरीके से आपकी डोमिसाइल स्टेट यानी कि आप कौन से स्टेट के स्थायी निवासी है वो सेलेक्ट करेंगे, फिर आप अपना आधार नंबर एंटर करेंगे। यहां पर आपका नाम आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग दिया गया है। इसके बाद आपसे पूछा कि क्या आपका नाम आधार कार्ड के अंदर और 10th के सर्टिफिकेट के अंदर सेम है, तो आप यहां पर यस कर देंगे एंड अगर आप नो करेंगे तो फिर आपको यह बोला जाएगा कि आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट में और आधार कार्ड में सेम कराना है। इसके बाद यहां पर जो आपका फादर का नेम है वो ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाएगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपकी फैच की गई है। इसके बाद अब आपको यहां पर आपके फादर का नेम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है, आपकी मदर्स का नेम यहां पर आपको एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ आपकी यहां पर आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग दी गई है। अब आपसे पूछेगी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 10th के सर्टिफिकेट में और आधार कार्ड में सेम है, तो आप यहां पर यस कर दीजिए। फिर आपको यहां पर सेम तरीके से अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, यहां पर टिक करना है, ये कैप्चा कोड फिल करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब यहां पर दोस्तों जो आपने ईमेल आईडी यहां पर एंटर की है उस ईमेल आईडी के ऊपर एक ओटीपी गया होगा, आपको थोड़ा वेट करना है, अगर ओटीपी नहीं आता है नहीं तो आपको दोबारा ट्राई करना होगा। फिर यहां पर दोस्तों आपको अपना वो जो ओटीपी आपको मिला है वो एंटर करना है, जो कैप्चा कोड आपके सामने वो कैप्चा कोड यहां पर फिलअप करना है। इसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब चलिए जो अन्य जानकारी है वो कैसे भरनी है वो भी आप यहां पर जान लीजिए। आपकी DOB और नाम यहां पर पहले से फिलअप है जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरा था। फिर यहां पर दोस्तों आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है। इसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस में अनमैरिड सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप यहां पर नीचे देखोगे एजुकेशन डिटेल, तो यहां पर आपको इसके ऊपर क्लिक करके ये देना है कि मैट्रिकुलेशन आपने किस बोर्ड से की है, CBSE, ICSE, ओपन, अदर या फिर स्टेट बोर्ड। तो हम यहां से स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद यहां से हम उत्तर प्रदेश चूज कर लेते हैं। फिर दोस्तों यहां पर आपको मैट्रिकुलेशन 10th सर्टिफिकेट नंबर यानी कि जो 10वीं है उसकी जो मार्कशीट है उसका नंबर आपको यहां पर देना होगा। अगर आपकी मार्कशीट के ऊपर नंबर नहीं है तो आप यहां पर 10th का रोल नंबर एंटर कर दीजिए। फिर दोस्तों यहां पर आपको उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। इसका जो साइज है वो आपका 200 KB से कम रहना चाहिए, तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपकी फाइल है वो आपको अपलोड करनी है।
फाइल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको ओपन करना है, फिर आपको फाइल का नेम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो आपका एलिजिबल क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट करनी है। तो बेसिकली यहाँ से हम ग्रेजुएशन सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको चूज करना है कि आपने पास कर लिया फिर अपीयरिंग हो, तो हम पास्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर एट डेट ऑफ इनरोलमेंट, तो यहाँ पर बोला है कि एप्लीकेबल फॉर कैंडिडेट्स इन सर्विस ऑफ आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स, अगर आप इनसे बिलोंग करते हो, इनकी सर्विस में हो, तो आपको डेट ऑफ इनरोलमेंट डालनी है, नहीं तो आपको इसको खाली छोड़ देना है क्योंकि आप फ्रेशर हो। फिर आपको यहाँ पर इस तरफ आना है और आप यहाँ पर देखोगे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसके अलावा यहाँ पर आई हैव यानी कि आधार नंबर, तो आपने यहाँ पर कुछ ऑप्शन चूज नहीं किया, आपने नन सेलेक्ट किया है। अगर आप देना चाहते हो आधार या इनरोलमेंट नंबर तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आपको सलाह दी जा रही है कि आपको अपना आधार कार्ड जल्दी से बनवा लेना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप यहाँ पर कोई भी एक क्वेश्चन चूज कर लीजिए, फिर उसका आंसर आपको यहाँ पर लिख देना है और ये आंसर आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाओगे और आप इसको रिसेट करोगे, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देकर के पासवर्ड रिसेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक पासवर्ड एंटर करना है जिसकी लेंथ कम से कम 8 कैरेक्टर की होनी चाहिए। जो भी पासवर्ड आपने डाला है उसको कंफर्म कर लेना है और आपका जो पासवर्ड है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आपका इंग्लिश का स्मॉल वर्ड, कैपिटल वर्ड, डिजिट, इसके अलावा एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। फिर यहाँ पर जो कैप्चा कोड आपके सामने है, कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी को अच्छे से चेक करना है और अच्छे से चेक करने के बाद नीचे आकर के सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी बेस्ट बुक और प्रैक्टिस पेपर के बारे में, जिसके माध्यम से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यानी जो बुक जारी की गई है ये एसके बुक्स के द्वारा जारी की गई है। एसके बुक्स इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक जारी करता है एंड इन बुक के माध्यम से आप अपनी प्रिपरेशन कर पाते हैं। तो बेसिकली आपको इन बुक के अंदर क्या मिलेगा, तो जो आपकी जीडी की बुक है इसमें आपको आर्मी के पेपर्स के अनुरूप यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट सिलेबस के अनुसार समावेशित मिलेगा, टॉपिक्स को एग्जाम्पल के साथ में सिंपल लैंग्वेज में इस बुक के अंदर समझाया गया है, साथ ही प्रत्येक टॉपिक के साथ आपको प्रैक्टिस के लिए पर्सन भी दिए गए हैं। एंड जो आपका प्रैक्टिस पेपर है उसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें बेसिकली यहाँ पर आपको 50 पेपर्स मिलेंगे जो कि 2500 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संग्रह है, प्रश्नों का चयन समीक्षा के परीक्षा के नवीनतम मापदंडों के अनुसार है, एग्जाम में सक्सेस के लिए ये बुक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, कठिन क्वेश्चन के हल सहित आपको ये बुक मिलने वाली है और आप यहाँ पर इस बुक को इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर परचेज कर सकते हैं। जिसमें भी आप करना चाहे कर लीजिए, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक को और प्रैक्टिस पेपर को परचेज करने का लिंक दिया है, आप जाइए बाय कर लीजिए। कोई सवाल कोई डाउट हो बुक से रिलेटेड तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, जाइए बाय कर लीजिए। अब गाइज जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, जो कि मैंने आपको डेमो के लिए एक अन्य वीडियो से बताया, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर गाइज इस वेबसाइट के ऊपर आप एक ही बार रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं क्योंकि आपकी जानकारी आधार से मैच की जाती है, इसलिए मैंने जब पहले इस वीडियो बनाई थी रजिस्ट्रेशन की वहीं से ये पार्ट ऐड किया है, माफी चाहता हूँ उसके लिए, क्योंकि मैं भी चाहता था कि न्यू वे में बनाऊँ, बट क्या करूँ इस वेबसाइट के ऊपर आप नहीं कर पाते। अभी भी मैं आपको एक अन्य कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन से आगे का प्रोसेस बता रहा हूँ। तो बेसिकली जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे आपके सामने चेक एलिजिबिलिटी का पेज आएगा, जहां पर आपको रेगुलर कैडरे के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी ये वैकेंसी आ जाएगी। अब आपको यहां पर अप्लाई पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप यहां पर इनको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद में यहां पर आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त भरी है और कुछ इन्फॉर्मेशन अभी आपको यहां पर अपनी देनी है। जैसे कि यहां पर गाइज आपको देखने को मिलेगा आपका रिलीजन, तो जो भी आपका रिलीजन है इसमें से वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। क्लास आपके यहां पर इनमें से कौन सी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे, तो जो भी है आपके यहां पर क्लास वो आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में इस तरफ है आपका फोटो और यहां पर है साइन, तो आपका जो फोटो है इसका साइज आपका 5 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए, तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें, जहां पर भी आपका फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करना है और यहां से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। फिर आपको यहां पर आपका जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना है, तो आपको यहां पर इसका साइज 5 से 10 KB के बीच में बोला है, तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपका साइन का फाइल है वो आपको सेलेक्ट करना है और यहां से ओपन कर लेना है। तो चलिए हम यहां से इसको ओपन कर लेते हैं, तो आपका यहां पर साइन आ चुका है। इसके बाद यहां पर आपको कुछ जानकारी दी गई है, ये जानकारी वेरीफाई करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने आती है कम्युनिकेशन डिटेल यानी कि एड्रेस की जानकारी, तो एक तरफ है आपका परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको फिल करना है, जैसे कि हाउस नंबर, एड्रेस के सेक्शन में जो भी आपका एड्रेस है आपकी आईडी के अकॉर्डिंग वो आप यहां पर पूरा लिख देंगे। फिर यहां पर विलेज के अंदर आपके गांव का नाम देंगे, सिटी टाउन का नाम यहां पर देंगे जो भी है सिटी या फिर नगर। इसके बाद में स्टेट आपके यहां पर दी गई है, डिस्ट्रिक्ट दी गई है, तहसील दी गई है। अब आपको आपके ब्लॉक या फिर लोकेलिटी जो भी है उसका नाम आपको यहां पर एंटर करना है। फिर
फिर आपका जो पिन कोड है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन कौन सा है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। आपका डाकघर कौन सा है नज़दीकी वो आप यहाँ पर लिख देंगे। एंड जो टेलीग्राम ऑफिस अगर कोई है तो आप दे देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर इस तरह पर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो अगर आपका परमानेंट और प्रजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना प्रजेंट एड्रेस फिल कर दीजिएगा, ऐसे ही जैसे कि अभी आपने परमानेंट एड्रेस फिल किया है। एंड इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। नाउ गाइस आपके सामने यहाँ पर मिस सेलेंसेस डिटेल का सेक्शन आ चुका है, जहाँ पर आपसे आपकी कैटेगरी दी गई है बेसिकली। इसके बाद आपसे पूछा स्पोर्ट्स, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको बताना कि आपके पास इनमें से कौन सा सर्टिफिकेट है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। एंड इसके बाद में यहाँ पर कुछ और जानकारी दी गई है। अब आपसे पूछा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको सेलेक्ट करनी है। एंड इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर जो एजुकेशन की डिटेल है इसकी जानकारी मैं आपको प्रीवियस वीडियो से दे रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मेरे सामने एक एरर आ रहा है इस वेबसाइट के ऊपर जो कि कुछ इस प्रकार का है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यू हैव एन ओपन एप्लीकेशन काइंडली सबमिट इट बिफोर द लास्ट डेट। तो बेसिकली यहाँ पर मैं अगर इसमें कुछ चेंजेस करने की कोशिश कर भी रहा हूँ बार बार यही एरर आ रहा है, जिस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ इस अकाउंट के साथ में, जिसमें कि मैंने कोई फॉर्म अभी तक भरा भी नहीं है इस अकाउंट का इस्तेमाल करके। तो इसलिए मैं आपको प्रीवियस वीडियो से प्रोसेस बता रहा हूँ, प्रोसेस सेम है इसका भी। एंड जो आगे का प्रोसेस रहेगा एजुकेशन के बाद का वो आपको प्रीवियस वीडियो से यानी कि इसी ईयर की वीडियो से बताया जाएगा, जो कि आप आगे देख करके समझ जाएंगे कि हाँ ये इसी ईयर का प्रोसेस है। तो अगर आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आए वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सही जानकारी सही वे में दी जाए ताकि आपसे कोई गलती न हो। तो आप वीडियो को देखते रहिए। अप्लाइंग फॉर कौन सी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट या फिर सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी, जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसी पर आपको टिक कर देना है। एंड देन आप यहां पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, ये जानकारी आपकी सेव हो चुकी है। अब आती है एजुकेशन डिटेल, तो यहां पर दोस्तों क्वालिफिकेशन कोर्स में 12th साइंस सेलेक्ट करेंगे। बोर्ड के अंदर आपका बोर्ड सेलेक्ट करना है कि किस बोर्ड से आपने आपकी की है, जैसे कि स्टेट यूनिवर्सिटी। और इसके बाद यहां पर है आपका ईयर ऑफ पासिंग, तो किस साल के अंदर आपने पास किया वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपका 12th का रोल नंबर आपको यहाँ पर लिखना है और आपका सर्टिफिकेट नंबर भी दे देना है। इसके बाद ही आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे, देखेंगे सब्जेक्ट। अब आपको एक एक करके सब्जेक्ट वाइज जानकारी देनी है, तो सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करें और जो आपका पहला सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें। और फिर उसके अंदर कितने नंबर आपको आए थे वो आपको मार्क्स ऑब्टेंड के अंदर लिखना है और कितने में से आए थे वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि मेरे नंबर थे हिंदी के अंदर 95, तो मैं मार्क्स ऑब्टेंड के अंदर 95 लिखूंगा और आउट ऑफ मार्क्स के अंदर मैं 100 लिखूंगा। और फिर आप यहां पर परसेंटेज ऑटोमेटिकली देख पाएंगे। एंड देन आप ऐड न्यू रो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है वो यहां पर आ जाएगा। सेम वे में आपका जो सेकेंड सब्जेक्ट है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि इंग्लिश। और इसके बाद यहां पर आप उसके जो नंबर आपको आए थे वो लिखना है, कितने में से आए थे वो लिखना है और परसेंटेज यहां पर आ जाएगी। फिर इसी प्रकार से आप लोग आपका फिजिक्स सेलेक्ट करेंगे, मैथ सेलेक्ट करेंगे, बायोलॉजी सेलेक्ट करेंगे, एक एक करके सभी सब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करके आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर हम इसको फिल कर दिए। फिल करने के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो देखेंगे कि ये जानकारी आपकी फिल हो चुकी है और इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपके सामने आती है एग्जाम सेंटर की चॉइस, तो आप यहाँ पर जैसे कि होम स्टेट देख सकते हैं, होम स्टेट में आपकी होम सिटी कौन सी है वो यहाँ पर दी गई है। फर्स्ट चॉइस स्टेट आपके एग्जाम सेंटर के लिए वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके अंदर किस सिटी को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो सिटी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में सेकेंड चॉइस स्टेट कौन सी रहेगी वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। एंड उसकी कौन सी सिटी को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं सेंटर के लिए वो आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको थर्ड चॉइस भी सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि अगर मैं थर्ड में उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर फिर आपको जो आपकी सिटी है उसमें वो आपको सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर आप 5 चॉइस दे पाएंगे। ये सभी चॉइस देने के बाद में आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जितनी भी जानकारी भरी है आप इन सभी जानकारी को यहाँ पर वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद में अगर आप कोई भी जानकारी एडिट करना चाहते तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लेंगे। कैंसिल करना चाहते हैं फॉर्म को यहाँ से तो कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर पे के ऊपर क्लिक करना है। पे के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप जिस भी माध्यम से चाहे उसका इस्तेमाल करके अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर पाएंगे। एंड यहाँ पर आपको ये बोला कि ऑनलाइन CEE यानी कि आपका जो ऑनलाइन एग्जाम का एडमिट कार्ड है वो
अवेलेबल होगा 10 से 14 दिन पहले जो भी आपकी एग्जाम डेट है उसके। तो गाइज इस प्रकार से आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। एंड यहाँ पर ये भी आपको बोला है कि अगर आपने एक बार फीस को जमा कर दिया तो फिर आप उसके बाद में कोई भी एडिटिंग इस फॉर्म के अंदर नहीं कर पाएंगे। तो गाइज ये थी इंडियन आर्मी अग्निवीर ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।